नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस गर्मी के सीज़न में नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करने वाले कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट जिनको आप अभी नर्सरी से या फिर कहीं से भी लाके लगा सकते हो। फिलहाल मैं नेम बताने वाली हूँ और उनको लगाने का तरीका भी खैर भी बताऊँगी, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा। अगर नहीं हो पाता तो एक दो मिनट तो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे न्यू है दोस्तों तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जैसे कि पता है दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, मई का मंथ शुरू हो गया है, मई जून जुलाई यहाँ तक कि अक्टूबर तक बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन इन गर्मी में तपती धूप में लू में हमारे बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो कि फ्लावरिंग करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं वो। कभी कभी 45 या 48 डिग्री में भी ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे फ्लावर प्लांट्स हैं जो कि अच्छे से फ्लावरिंग करती हैं इस वीडियो में चलिए मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट, परमानेंट या परेनियल प्लांट बोल सकते हैं, तो है हमारा नाइट जैस्मिन। और इनमें दो वेराइटी होती है, हाइब्रिड देसी और येलो वाली नाइट जैस्मिन। ये फिलहाल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है, इनको गमले में लगाते हैं तो थोड़ा केयर करना पड़ता है। वैसे इनको नॉर्मल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, अगर ग्राउंड गार्डन में लगाते हैं ग्राउंड पे तो वैसे ही लगा दीजिएगा, बट इनके लिए वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो पत्तियों की खाद होती है बहुत ही अच्छी होती है, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है जिससे खिलने के लिए इनको हेल्प मिलती है। तो ये बहुत अच्छे से गर्मी में ब्लूम करते हैं, कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो ये खिलना बिल्कुल भी बंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों है हमारा जीनिया है। जीनिया फिलहाल ये दोस्तों सीजनल प्लांट होते हैं, गर्मी वाले होते, बहुत अच्छे से ब्लूम होते हैं। इनमें आपको कलर वैरायटी भी देखने को मिल जाएंगे, ये फिलहाल लॉन्ग वाले हैं, डॉप में भी आते हैं टॉल में भी आते हैं, ये हाइब्रिड वाले जीनिया हैं और ये पूरी गर्मी आपको भर भर के फूल देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है लेकिन ये फिर भी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। गमले में लगाते हैं तो इनके लिए बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, जहाँ ज़्यादा पानी हो आपका प्लांट ख़राब होने लगेगा, मरने लगेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर अच्छे से आपका जो जीनिया प्लांट है बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा और इसमें सीड भी बनते हैं। अगर आप सीड को कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे फूल थोड़ा सा स्पेंड हो जाए उनको कट करके रख लें, अच्छे से सूखने के बाद में इसमें प्रॉपर सीड बन जाते हैं, जिनका जब सीजन हो टाइम हो फिर इनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। और इनको लगाना बहुत ही आसान है, सैंड सॉइल में इनके सीड डाल दीजिए, अभी भी इनको ग्रो करने का टाइम है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा है कोसेंड्रा का प्लांट है, और ये अभी छोटा सा प्लांट है लेकिन ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत खिलता है, बंचेस में फूल आते हैं। इनके भी कलर दोस्तों इसमें मल्टीपल कलर होते हैं, पिंक, पर्पल, रेड, येलो, ऑरेंज, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब पीच कलर के भी आते हैं। और पूरी गर्मी जैसे ही डोरमेंसी का पीरियड ख़त्म होता है बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। फिलहाल मैं जब नर्सरी में गई थी तो इनमें कई वैरायटी मुझे देखने को मिले थे और कलर भी बहुत ढेर सारे थे, पर जो कहते हैं रेड कलर का वो बहुत ही ज़्यादा था। आई थिंक ये सीड से उगते हैं या फिर कटिंग से तो फिलहाल लगा ही ये प्लांट ही है, तो ये सीड से मिलते गिर जाते हैं खुद ब खुद ढेरों सारे प्लांट बन जाते हैं, तो इन्हें भी आप दोस्तों लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। अभी तो फिलहाल एक दो फूल खिले लेकिन जब बंचेस में आते हैं तो पत्तियां तक नहीं दिखती, इतने अच्छे लगते हैं। तो ये भी गर्मी में बहुत अच्छे से खिलने वाला पौधा है। ग्रो करने की बात करूँ तो कटिंग से तो लगी जाती है, वैसे मेरे ख्याल से बुशी वाला प्लांट होता है कि जो टहनियाँ होती है कहीं भी मिट्टी में लगा दो तो लग जाती है। फिलहाल भी प्लांट मेरा छोटा है, जैसे ही बड़ा होता है मैं कटिंग ज़रूर लगाऊँगी इनकी और वीडियो भी ज़रूर आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। इनको दोस्तों अभी जैसे कि तेज़ धूप हो रही है इनको ऐसी जगह पर रखें कि इनको क्या कहते हैं सेमी शेड, सुबह के एक दो घंटे की जो धूप होती है ना पार्शियल धूप वो मिल जाएगी तो ये आराम से चल जाएंगे। और नर्सरी में जाएंगे तो आपको कलर वैरायटीज़ भी मिल जाएंगी इनकी, तो ये भी गर्मियों में नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करते हैं। आपको लगाना है तो बेझिझक इनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ये तो बेस्ट फ्लावर प्लांट है, वाइन बोलेंगे, प्लांट तो नहीं बोलेंगे, वाइन है ये। और इनको गेट पे या फिर कहीं भी लगा देंगे तो आसानी से ये लग भी जाते हैं, वो इतनी हैवी ब्लूमिंग होती है दोस्तों बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग को पता ही है कि जो झुमका बेल है, रंगून क्रीपर या फिर मधुमालती कई नामों से उनको जाना जाता है,
ये इस तरीके से ब्लूम होते हैं। धूप देख सकते हो आप कितनी तेज़ धूप है, लेकिन ये इस तरीके से खिले रहते हैं। बस मिट्टी में नमी रखिएगा, फर्टिलाइज़र देते रहिएगा, आपका प्लांट कभी भी फ्लावरिंग नहीं कम करेगा। और मेरे पास हाइब्रिड वाली मिनिएचर वैरायटी की मधुमालती जो कि गमले में लगी, वो भी अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहा है। ये फिलहाल ग्राउंड गार्डन में है, तो कहीं भी लगा दीजिए। फूल देना कम नहीं करते हैं, चाहे जितनी गर्मी हो हर टाइम देते ही रहते हैं, तो इनको भी आप दोस्तों लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारा अपराजिता, तो अपराजिता तो जैसे डोरमेंसी का पीरियड ख़त्म होता है दोस्तों, हम लोग तो बस फूल लेना ही है, प्लांट से शुरू हो जाती है इनकी फ्लावरिंग। तो ये मल्टीपल पेटल वाले हैं, इनमें ढेरों सारे फूल आ रहे हैं, सिंगल पेटल के भी हैं, उनमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, दोनों फिलहाल बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसमें चार पेटल्स हैं। और यहाँ पे अडेनियम, अडेनियम तो आप लोग को पता है गर्मियों का राजा है फूल ये, जिसको हम डेजर्ट रोज़ भी बोलते हैं। और बहुत ढेर सारे मतलब फूल इसमें आते हैं। अभी फ़िलहाल इनको मैंने प्रून किया था कुछ, मतलब रिपोर्टिंग भी करी थी, तो ये फर्स्ट ब्लूम है इसका। क्योंकि विंटर में आपको पता है प्लांट डोरमेंसी में जाते हैं, फिर कुछ ऐसा प्रोसेस होता है हमें प्लांट के लिए वो करना होता है। कुछ हमारे प्लांट दोस्तों ख़राब हो गए थे, जिसमें से कुछ बचे हैं, तो मैं सेव करने की कोशिश कर रही हूँ कटिंग से या फिर ग्राफ्ट करके इस तरीके से। तो ये ग्राफ्टेड वाले हैं, ब्लूम हो रही है अच्छे से, तो अडेनियम भी अच्छे से गर्मी में ब्लूम करता है। नेक्स्ट दोस्तों एक्जोरा, एक्जोरा भी गर्मियों में इस तरीके से खिले हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉल का रूप लिया हुआ है, बहुत ही प्यारे लगते हैं, वाइट कलर का है। और ये भी नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करते हैं। फिलहाल एक टाइम ऐसा आता है कि ये मुरझा जाते हैं, बट जब ब्लूम होते हैं तो 15-20 दिन तक इसी तरीके से खिले ही रहते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इन्हें भी लाके लगा सकते हैं अगर आपको इस तरीके से फ्लावरिंग चाहिए अपने एक्जोरा पे। हार्डी प्लांट है और परमानेंट प्लांट है दोस्तों, ये सर्दियों में भी खिलते हैं, गर्मियों में भी खिलते हैं, कोई भी सीजन इनके लिए नहीं है कि हाँ ये इस टाइम पे ब्लूम करेंगे या नहीं करेंगे। तो हाइब्रिड देसी दोनों आते हैं, कलर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट इनके मिल जाएंगे, तो बिना देरी के इनको ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों हमारा विंका सदाबहार, जिनको फ्री विंकल और कई नामों से इनको जाना जाता है दोस्तों। एक मेडिसिन प्लांट भी है, इनको लगा सकते हैं। इनकी जो फूल होते हैं या पत्तियाँ जो होती हैं, जो हमारे डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इनको कहते हैं कि खाली पेट अगर खाने से इनके जो शुगर लेवल होता है, उनके कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उनको कम करने में मदद करते हैं, तो इनको आप ज़रूर लगाएं। और फूल जो होते हैं तो भगवान के काम आते हैं, फूल चढ़ा भी सकते हैं। और सदाबहार जैसा नाम है दोस्तों, वैसा ही इनका काम ही होता है, आपके गार्डन में हमेशा बने रहते हैं, कोई भी सीजन हो, मतलब 12 महीने खिले रहते हैं आपके गार्डन में, ठंडी गर्मी बरसात ब्लूम करते हैं। इनमें दो वैरायटी आती है, हाइब्रिड और देसी। देसी वाले जो दोस्तों होते हैं ठंडी में नहीं खिलते हैं, बट हाइब्रिड वाले ठंडी में भी खिलते हैं, गर्मी में भी खिलते हैं और बरसात में भी खिलते हैं। हाइब्रिड में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी, देसी वाले में आपको पिंक और वाइट ही मिलेगी, और हाइब्रिड में आपको सेडेड में भी मिल जाते हैं और कलर में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगर हम गर्मियों के लिए बोलें, तो ये बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है गर्मी के लिए, स्पेशल गर्मी में ही खिलते हैं। हमारा मोस रोज़, पोशिला का, नौबजी और पता नहीं क्या क्या नामों से लोग इनको बुलाते हैं अपनी एरिया में। तो इनको भी हम इस गर्मी के सीज़न में इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, बेझिझक नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करते हैं। पर जब न फूल ही खिल के बंद हो जाए तो इनको थोड़ा सा पिंच कर दीजिए ताकि न्यू ग्रोथ हो सके, बहुत ही अच्छे लगते हैं इनके कलरफुल। फिलहाल हाइब्रिड वाले सीड से उगे हैं हमारे गार्डन में, मैंने बिल्कुल भी लगाया नहीं है, सीड से उगे हैं ये दोस्तों, और अभी भी खिल रहे हैं, आई होप आगे भी खिलें। तो इस तरीके से फ्लावरिंग पाने के लिए हमें फर्टिलाइज़र वगैरह देना पड़ता है, ताकि इनकी सारी जो एनर्जी है दोस्तों वो उनको मिल सके, क्योंकि फ्लावरिंग तो है भी करते ही हैं, तो टाइम टाइम से इनको फर्टिलाइज़ भी करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये दोस्तों मिनिएचर सनफ्लावर डेजी के नाम से भी जाने जाते हैं, बट ये सनफ्लावर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। कलर भी वैसे है, इनका साइज़ भी वैसे है, बस थोड़ा सा जो इनका साइज़ मतलब फ्लावर का छोटा रहता है, बाकी सनफ्लावर के जैसे होते सीड भी वैसे ही रहते हैं, बस छोटे से रहते हैं। तो ये भी गर्मियों में फ़िलहाल हमारे यहाँ पे खिल ही रहा है और नर्सरियों में भी खिल रहे हैं अभी है।
तो ये भी अभी देखते कितने दिन तक खिलते हैं। अगर लॉन्ग टाइम तक हमें फ्लावरिंग चाहिए होती तो दोस्तों तो क्या होता है, इनकी जो फूल मुरझा जाते हैं उनको कट कर दें, फिर नए नए सोन निकलते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मोगरा, मोगरा तो जैसे हमारा दोस्तों बाकी प्लांट समर लविंग प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, वैसे हमारा मोगरा भी है जिसको बेला भी बोला जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें खुशबू भी आती है दोस्तों। महकने वाले ये पौधे होते हैं जहाँ पे ये लगे होते हैं, इवनिंग का टाइम हो या मॉर्निंग का टाइम हो दोस्तों, जाएंगे तो विनी विनी खुशबू आती है, इतना मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है। तो इन पौधों को तो लगाना बनता ही है, गर्मी में खिलते ही हैं, तो इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में जाएंगे तो 30-40 रुपये में पौधे आराम से मिल जाते हैं। ये देखिए मैंने इनको कटिंग से ग्रो किया है और सबसे अच्छी बात देखिए कलियाँ भी आ रही हैं और फिलहाल अभी ये खिल के मुरझा भी चुके हैं। तो आप मोगरा यानी बेला को भी लगा सकते हैं, हमेशा फूल देते रहते गर्मी, पूरी गर्मी तो आपको देने ही इनको। और यहाँ पे हमारा है दोस्तों नेक्स्ट, ये है हमारा यूफोर्बिया मिली और इसमें कि मेरे पास 3 वैरायटी है, एक हाइब्रिड है, देसी है और मिनिएचर है। तो ये देसी वाला है फिलहाल और इसमें एक मेरे पास एक येलो कलर का है, एक रेड कलर का है, एक इस टाइप से है। तो ये भी बहुत अच्छे से मतलब ब्लूम हो रहा है, अभी जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई टाइम से बहुत फूल इसमें आ रहे हैं। और इसमें एक टाइम ऐसा आता है ना, इतनी फूल आते हैं कि इनमें पत्तियाँ तक भी नहीं दिखती हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसमें आपको कलर बता दूँ, पिंक और ऑरेंज, पर्पल, रेड और येलो कलर का भी आता है जो कि मेरे पास है, लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं इनको लगाएं तो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दोस्तों मिराबिल जालपा, जिसको हम संध्या मालती के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरीके से। फ़िलहाल ये गर्मी में ही खिलते हैं बट धूप में नहीं खिलते दोस्तों, ये जैसे इवनिंग होती ना 4 o'clock जैसे होता है, यानी धूप जैसे ख़त्म होती है शाम ढलने लगती वैसे ही खिलना शुरू हो जाते, पूरी रात खिले रहेंगे, जैसे मॉर्निंग होगी धूप निकलने लगेगी ये एक्सपेंड हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो ये 4 o'clock संध्या मालती और भी न जाने क्या क्या नाम से जाने जाते हैं मिराबिल जालपा, तो इनको भी हम लगा सकते हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छे से देते हैं। छाँव रहते हैं दोस्तों तो खिले रहते हैं, लेकिन धूप में ये बिल्कुल भी नहीं खिलते हैं। इनको कटिंग से हम ग्रो कर सकते हैं, और बल्ब जो होते हैं उनसे सीड से ईजिली ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि लगे हुए इनमें सीड होते हैं तो गिर के अपने आप वहीं पे जर्मिनेट हो जाते हैं, हमें लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ढेरों सारे यहाँ पे कम से कम ही 100 या 100 पौधों से ज़्यादा यहाँ पे उगे हुए हैं, एक टब है मेरा उसी में मैंने लगाया हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों ये तो हमारा बहुत ही खूबसूरत फेवरेट है गर्मी में फ़िलहाल, ये हमारा गलाडिया का प्लांट है। तो ये गलाडिया भी हमारे गार्डन में बहुत अच्छे से खिलता है, पूरी गर्मी फ्लावर देते हैं, परेनियल बोल सकते हैं, गर्मी बरसात और ठंड में भी ये फूल देते रहते हैं, सीड से उगने वाले पौधे हैं। तो बिना देरी के इनको भी आप लगा सकते हैं और पूरी गर्मी फूल देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों गर्मियों में खिलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट हमारा गुड़हल है। अगर हम गर्मियों के प्लांट की बात कर रहे हैं, गुड़हल की बात नहीं करेंगे तो वीडियो अधूरी रहेगी। तो हमारा गुड़हल जो होता है दोस्तों ये है सन लविंग प्लांट और समर लविंग प्लांट है, समर के प्लांट से ही हैं, देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, जैसे अच्छी से धूप निकलती खिलना शुरू हो जाती, कितनी भी तपती धूप क्यों ना हो खिलना बंद नहीं होते हैं, जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतना ही ये खिलेंगे। तो आप गुड़हल को भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड हो, कोई भी वैरायटी का हो, मिनिएचर वैरायटी का हो, सारे लगा लीजिएगा। देसी वाले तो आपको बिल्कुल भी फूल देना बंद नहीं करेंगे, तो इनको ज़रूर ऐड करिएगा अपने गार्डन में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा बोगनविला, और ये भी बहुत अच्छे से गर्मियों में खिलता है। आप लोगों ने देखा होगा इस टाइम पे जिसने भी बोगनविला लगाया होगा उनका घर जो होगा या बालकनी गार्डन कुछ भी हो रंग बिरंगा बोगनविले फ्लावर से भरा होगा, बहुत ही खूबसूरत। ये फ़िलहाल मैंने प्रून किया था अभी भी जल्दी मैंने 10-15 दिन पहले, इसकी वजह से फिर से ये स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, फिर से खिलने लगी हैं। और देखिए गर्मी की वजह से पत्तियाँ झुलस रही लेकिन फूल बिल्कुल भी नहीं झुलस रहे हैं, इतने हार्डी प्लांट होते हैं।
तो बोगनविला अगर लगाना चाहते हैं दोस्तों फिर झिझक लगा लीजिए। मेरे पास 4 कलर के बोगनविला हैं। ये पिंक वाले हैं जो कि बंचेस में आते हैं, ये भी है देखिए वाइट है और ऑरेंज भी है। एक मेरे पास पिंक और ऑरेंज है, एक ही में मतलब ग्राफ्टेड है, वो भी खिल रहे हैं बट अभी वो मुरझा चुके हैं। तो इतनी हैवी ब्लूमिंग दोस्तों करते हैं कि पत्तियां दिखती नहीं, सिर्फ फूल ही फूल दिखते हैं। तो ये देखिए ये वाला है, तो आप बोगनविला को भी ज़रूर लगाइए, गर्मियों में देने वाले फूल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है हिमालया का प्लांट, यानी जिसको हम फायर बुश के नाम से जानते हैं। इसमें कलियाँ आ रही हैं लेकिन खिलती भी खूब है गर्मी में। अभी मैंने इनको नर्सरी से जल्दी परचेज़ करके 30 रुपीज़ में लाया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में अच्छे से फ्लावर खिलें, तुम्हारा हिमालया भी कम नहीं है फूल देने में, फायर बुश के नाम से जाने जाते हैं, नर्सरी में जाएंगे तो 20-30-40 रुपए प्लांट के अकॉर्डिंग आपको पौधा मिलेगा। तो इन्हें भी ज़रूर ऐड करिएगा। अभी इस तरीके हम प्लांट लाते हैं दोस्तों तो आपके गार्डन से ये कभी नहीं जाएंगे, हमेशा फूल देते रहेंगे। सर्दियों में देख रेख करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों ये है लेंटाना, तो लेंटाना भी हमारे गार्डन में अच्छे से फ्लावरिंग करता है। पूरी गर्मी चाहे जितना भी टेम्परेचर हो खिलना बंद नहीं करते हैं। फिलहाल ये हाइब्रिड वाला है, मुझे 30 रुपीज़ में मिला था। लेंटाना में भी वैरायटी आती है हाइब्रिड देसी, कलर आपको डिफरेंट डिफरेंस मिल जाएंगे, पिंक में, येलो में, रेड में। तो ये पिंक रेड और येलो था, रेड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था तो मैंने सोचा मैं यही ले लेती हूँ। 30 रुपीज़ की मुझे मिला था और फूल तो हमेशा गार्डन में देते ही रहते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे गार्डन में इस तरीके के फ्लावर बने रहें तो आप लेंटाना ऑप्शनल है, आप ला के लगा सकते हो ताकि आपके गार्डन में ये भी ऐड हो सके और पूरी गर्मी इनसे आप फ्लावरिंग ले सके। ऐसे बहुत से दोस्तों प्लांट हैं जो कि गर्मी में खिलते ही रहते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों अगर बात करूँ तो ये हमारा गोमफ्रेना है। गोमफ्रेना भी किसी फूल मतलब फूल ही है बट ये गर्मी में बहुत अच्छे से खिलता है। फिलहाल ये गर्मी में क्या पूरी सर्दियों में भी खिला है, वही सीड से मेरे गार्डन में खुद से ही उगा है, मैंने लगाया नहीं है। तो इनको अगर आप लगाना चाहते हैं सीड से लगा सकते हैं, पूरी गर्मी में भी खिलते रहते हैं, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बस किसी गमले में लगा दीजिए फिर देखिएगा रंग बिरंगा इस तरीके गोल, इसमें पिंक ऑरेंज रेड वाइट और इस तरीके से पिंक और आते हैं तो इन्हें भी लगाएं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा है गेंदा, यानी कि गेंदे को भी आप लगा सकते हैं, गर्मी में खिलते हैं। नेक्स्ट हमारा रोज़ का प्लांट है। रोज़ का दोस्तों अगर बताऊँ गुलाब को तो थोड़ा सा केयर करना पड़ता है गर्मी में, खिलते तो हैं बराबर ही है बट इनको थोड़ा सा सेमी शेड में छांव में रख देंगे तो ये आसानी से चलता रहेगा, आपको बराबर फूल देता रहेगा। फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में देते रहिए फिर चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैक्सिकन पिटूनिया, ये हाइब्रिड वाले हैं और देसी भी आते हैं, हाइब्रिड देसी दोनों। कलर की बात करूँ वाइट पिंक पर्पल दोनों होते हैं तो इन्हें भी आप लगाइएगा, पूरी गर्मी आपको भर भर के फूल देने वाले हैं। ये वाले जो हैं ये देसी वाले हैं, ये भी कम नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कनेर का प्लांट है जो ओरिएंडर के नाम से जाना जाता है। इनमें भी कलर वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है तो बिना देरी के आप इन्हें भी लगाइएगा, पूरी गर्मी आपको फूल देते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा अलमंडा बुश है, वाइन भी आती है, अलमंडा वाइन और बुश दोनों अच्छे से फ्लावरिंग देते हैं, भर भर के आपको बंचेस में फूल देने वाली ये फ्लावर होते हैं। तो अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको 30-40-60 रुपए तक के प्लांट मिल जाएंगे, तो गर्मियों में खिलने वाले बेस्ट प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा कोसमॉस, एक पेरेनियल होता है एक सीजनल होता है दोस्तों, तो सीजनल वाले भी लाएंगे तो फिलहाल ख़राब हो जाएंगे, पेरेनियल वाला लाइएगा वो भी अच्छे से ब्लूम करता है। एक्जोरा में आपको बहुत सी वैरायटीज़ मिल जाएगी, हाइब्रिड देसी कलर कॉम्बिनेशन दोस्तों सबको चाहिए होता है तो आप एक्जोरा को भी ज़रूर ऐड करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों गर्मियों में खिलने वाला पेंटास है, गर्मियों की देसी ही रहता है, अगर आपको लगाना है तो आप कोई भी कलर ला के अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इनसे ढेरों सारे फूल फ्लावरिंग ले सकते हैं। रंग बिरंगे कलर में आते हैं, वाइट पिंक पर्पल और रेड में भी रहते हैं तो बिना देरी के इनको भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये जैस्मिन, नाइट जैस्मिन और एक जैस्मिन आती है चमेली के नाम से जाना जाता है, उन्हें भी आप लगा सकते हैं ढेरों सारे गर्मी
फूल देंगे आप लोगों को। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो, कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट जो कि नॉन स्टॉप आपको पूरी गर्मी भर भर के फूल देने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी एंड हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये दोस्तों आपको प्लांट 20 से 60 रुपये के अंदर नर्सरी में मिल जाएंगे। कटिंग से, सीड से और ट्यूबर से भी ग्रो हो जाते हैं कुछ ऐसे पौधे जो बल्ब से लगने वाले भी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हमको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।